जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि Realme C3 के लिए मैंने एक बैक कवर मंगाया हूँ, और ये मुझे शायद यानी कि जब मैं फ़ोन परचेज किया उस बीच में ऑनलाइन में जब भी मैं चेक कर रहा था वहाँ ये आ रहा था कि प्री बुकिंग के लिए आप कर सकते हो। दोस्तों, कवर जो है इस फ़ोन के लिए बना नहीं था या तो कुछ टाइम लग रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया आना, और आज मैं इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है मुझे JGDA प्रोडक्ट तरफ से आया हुआ है, और ये जो है मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास एक नया फ़ोन है जो कि इसके लिए आपका मैंने इनका जो कॉन्टैक्ट है कहीं से मैंने नेट से लिया था, तो मैंने उनको मेल किया, और मेल करने के बाद उन्होंने मेरे को ये सेंड कर दिया मेरे एड्रेस पर, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। अभी तक मैंने ओपन नहीं किया हूँ, मैं बस ऐसे अंदाजा बता रहा हूँ। अभी देखते हैं, अगर होगा तो मैं इसका अमेजन का जो इनका लिंक है वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। देखते हैं, ओपन करते हैं इसको। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका C3 लिखा हुआ है, ये डिटेल है। तो जिन्होंने भेजा इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्हें JDG प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखा है, मैं आपको बाद में बता दूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और नॉर्मल वॉल्यूम में रखा हुआ है, और अंदर की तरफ एक छोटा सा सिलिकन दिया गया है इसको पकड़ने के लिए। और वाह, मैंने जो सोचा था इनका जो फोटो में मैंने देखा था ऑनलाइन में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये प्लास्टिक का होगा, तो इसलिए मेरे को बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर ये वाला कवर यूज़ करता हूँ मेरे सभी फ़ोन के अंदर। जो भी फ़ोन मेरे पास है तो मैंने सभी में इस टाइप का कवर यूज़ करता हूँ, कि काफ़ी बढ़िया रहता है, और जहाँ से कवर आता है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि जब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए एक कवर इन्होंने दे देते हैं ताकि आज रिव्यू के लिए। तो आप लोग कई सारे भी इसका वीडियो देखा होगा, या कई सारे लोग यूज़ भी किए होंगे, MI A3 के अंदर मैंने यूज़ किया हूँ, बट ये जो है कुछ नया ट्राई किया हूँ और मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। ये है आवाज़, थोड़ा सा आ रहा है हल्की फुल्की, ऐसे लग रहा है कि कुछ एक टेक्सचर लगा हुआ है, और अच्छा भी रहता है हाथ पे पकड़ने के लिए। अभी फ़ोन को इसके अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका डाया वगैरह सही तरह बेस नहीं बैठा हुआ है, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि नया है तो फर्स्ट टाइम शायद मेरे ख्याल से ये जो इसके डाई के हिसाब से सेट हुआ है, कॉट आउट हुआ है। तो मैं इसको इसके अंदर कवर कर देता हूँ, अंदर सेट करके। बस फोन जो है बढ़िया से सही तरह आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा डिजाइनिंग लग रहा है, और क्योंकि शुरुआत में ये आपको ऐसा लगेगा क्योंकि कलर है ब्लू कलर का, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे शो करेगा बाहर। लेकिन अगर आप ये यूज़ करना चाहते तो बढ़िया ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैमरा बम्प के लिए, कैमरा के प्रोटेक्शन के लिए ये दे रखा है, सेटअप रहेगा पूरा फिक्स रहता है। पहले अगर रखते थे वो हिलता रहता था, अब ये यहाँ पे यूज़ करने के लिए भी बढ़िया है, डस्टी प्रोटेक्ट करेगा आपका, इंटरनली जा नहीं पाएगा, और कुल मिला के मुझे ठीक लगा ये प्रोडक्ट, जो कि अच्छा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कर लेना। चैनल में अगर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो बनाता हूँ, और साथ में कुछ छोटे छोटे गैजेट्स का रिव्यू वगैरह करता हूँ, या कुछ प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो बस मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ आपको पसंद आए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अन बंदे मातरम।